एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ मायके से घर। घर वापसी हो गई है। आज मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब है। क्यों? पहुंच चुके हैं हम अपने गांव के नीचे। वो भाभी जी है, वो हमें प्लम दे रही है खाने के लिए। तो इनका ये प्लम का पेड़ लगा है यहाँ पे, तो इससे प्लम निकाल के, तो ये देखिए भाभी जी प्लम निकाल रहे हैं हमारे लिए। ये है इनका प्लम का पेड़, अभी दूर से दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं दिखाऊंगी आपको कितने सारे प्लम पके हैं इसमें। और मम्मी जी भी जा रहे हैं, आयु भी रूई के घर में जा रहे मम्मी। और ये है गांव मेरे मायके का। तो ये देख सकते हैं कितने सारे प्लम लिफाफा भर के ले आए। खोल जरा इसको, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है देसी प्लम। इसमें जो वाइट वाइट होता है इसको साफ करना पड़ता है। और ये है प्लम, नेचुरल देसी प्लम। तो ये प्लम खाने का अपना ही मजा है। बहुत ही डिलीशियस इसका टेस्ट, बहुत ही यमी और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। कोई खाद कोई स्प्रे नहीं करते इसमें। और मम्मी भी जा रही है साथ में, आयु भी चला गया आगे। और ये जंगल का एरिया। तो ये है जी मेरा मायका, मेरे मायके वाला गांव। तो ये है पूरी की पूरी मुरुटीदार ऊपर मुरुटी गांव, स्लेट गांव, टींज गांव। ये पीछे है भमार गांव। ये पे हेलीपैड और ये छतरी मगरू मानगढ़ का एरिया, छतरी मगरू का एरिया सारा का सारा। अभी सीधी धूप पड़ रही है इसलिए इस साइड से क्लियर आ रहा है और यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं अब अपनी सिस्टर के घर में और यहाँ पर चाय पानी खाना पीना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे घर। तो ये प्रिंसी है छोटी सी, देखिए हाय कर रही है और अपनी मम्मा की पीठ में इसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं पीठ में लेके, क्योंकि ऐसे ही सुलाया जाता है गांव में। और बचपन में मैंने भी आयु को इसी तरह से सुलाया है। देखो कितनी बदमाश है, सोने का नाम नहीं ले रही थी बिल्कुल भी। तो इसी तरह से सुलाया जाता है। और ये देखिए व्यू, बहुत ही अल्टीमेट आता है पहाड़ों का व्यू आजकल, तो इसीलिए हमारे पहाड़ों में जन्नत है। और इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा यहाँ का कि पूछो ही मत। यहाँ से जाने का मन नहीं करता, पर क्या करें, फिर जाने का टाइम आ जाता है। तो काफ़ी देर हम बैठने के बाद अब चल पड़े हैं वापस घर की ओर। हम फिर मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आप घर, बस में जा रहे हैं वहाँ तक, चलिए। तो ये है लस्सी गांव, मैं दिखाती हूँ आपको। ये आयु के पापा की मासी का घर, और यहाँ से ऊपर हम गए थे मामा लोगों के घर। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। देख सकते हैं काले काले बादल है, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं मायके से घर, रास्ते में ही पहुँचे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, लस्सी गांव में मेरे मामा मामी का घर है, वहाँ पे हम बैठे थे। और वहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता सबको। तो अभी निकल पड़े हैं पैदल, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, बारिश आने की यहाँ पर संभावना। ये देखिए एक पंख मिला है मुझे, पता नहीं कौन से पक्षी का है। तो आयु कह रहा था कि इसको साथ में ले चलते हैं। तो ये देख सकते हैं
घने जंगल। नहीं नहीं नहीं, कूड़ा ऐसे नहीं फेंकते, उठाओ इसको, इसको घर ले चलो, डस्टबिन में डालेंगे। अपने वातावरण को प्रदूषित नहीं करते आयु, इतना अच्छा हमारा नेचर है, जंगल है, ऐसे हम कचरा फैलाएंगे, गलत बात है ना, इसलिए घर ले चलो। ये लो आपका पंख, ये लो। तो ये देखिए, यहाँ से ये है लस्सी विलेज, मैंने पहले भी शेयर किया है, अभी यहीं से होते हुए हम अपने गांव जाते हैं। चलो जल्दी, मौसम खराब हो रखा है, कभी भी बारिश हो सकती है, हम उससे पहले हम घर पहुंचने चाहिए, ठीक है। ओले आयु कह रहा कि ओले आ रहे, देखो हवा कितनी तेज चल रही है, तो जल्दी से चलते हैं। ये देखिए हवा की आवाज आ रही होगी, ये देखिए ओले, यहाँ पे ओलावृष्टि होने स्टार्ट हो गई है। तो ये है मगरू मानगढ़ का एरिया, चलो निकलते हैं जल्दी, चलो चलो ओले गिर गए। चलो गाइस, बहुत ज्यादा हवा तूफान चल रहा है, आप देख सकते हैं हम दौड़ दौड़ के थक गए, बस घर थोड़ा सा ही दूर बचा है और थक गए बहुत ज्यादा। ये आयु, ये देख सकते हैं पीछे बड़े बड़े पेड़ है, हमें डर है कि कहीं ये गिर ना जाए और टूट के हमारे ऊपर आ जाए, क्योंकि हवा तूफान बहुत ज्यादा, आंधी तूफान चल रहा है अभी, तो हम भाग भाग के आए, बस थोड़ा सा ही रहता है हमारा घर, पहुंच गए। ये देख सकते हैं पीछे बड़े बड़े पेड़ है, तो इनको ना टूटने का डर रहता है। बारिश की छींटे पड़ रहे हैं, बस अब हम पहुंच चुके हैं, तो शुक्र है कि हम पहुंच गए। ये पहाड़ों के मौसम का कोई पता नहीं चलता कि कब खराब हो। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूले। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।